नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जयदीप जी को आगे बढ़ाते हुए उनके कुछ अफसाने, उनके कुछ फसाने को लेके आज फिर से हम आपके पास हाजिर हो गए हैं डॉक्टर साहब और हम मिलके। तो हम लोग ने पिछले बार जयदीप जी के जो एक गाने के बारे में हमने कहा था कि खासियत होती थी कि उनके गानों में रुकने का और सांस लेने की जगह नहीं होती थी, और वो एक ही काफी है, वो बार बार दोहराते थे उनके गीतों में। जैसे पिछले बार भी हमने जिंदगी जिंदगी गाने को गाया था, लेकिन आज जो जिंदगी जिंदगी, जैसे वो बोले थे कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको हैप्पी वाला वर्जन लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। तो डॉक्टर साहब आप बताइए। बात ऐसा है कि हम पहले भी दूसरे जो फनकार है, कंपोजर्स हैं, उनके एपिसोड्स में ये बोले हैं कि कोई एक फिल्म में अगर दो दो अलग सा हैप्पी वर्सन सैड वर्सन बनता था तो सुर एक जैसा ही रहता था। इतना मेहनत करते थे जयदेव साहब और उसके साथ जो अल्फाज लिखे हैं शायर साहब, गुलजार साहब, कि ये दोनों गानों में जिंदगी जिंदगी ये शब्द को छोड़कर और कॉमन कुछ नहीं है। अल्फाज अलग है, सुर तो एकदम ही अलग है, और हैप्पी वर्सन हैप्पी मूड आपको मिल जाएगा गाने में। और उत्तम कुमार जी और शर्मिला जी दोनों रूफ टॉप में जाके लिप्स दे रहे हैं ये गाने का, तो भूपिंदर जी और अनुराधा पौडवाल जी का ये गाना इंसाफ करेगी उन्होंने जी। कोशिश करती हूँ मैं हर गाने में, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं उसमें खड़ी उतरती हूँ कि नहीं, बस मैं कोशिश कर रही हूँ। जिंदगी पहचान होगी।